डाउट पूछना, किसी को और कोई डाउट हो। का सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। सॉरी क्या चीज? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भेज दो। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। और बताएं सॉल्यूशन चाहिए इसका आपको? तो कैश बुक वाले में जिसमें कैश बुक का था, और अगर उसमें बैंक के ट्रांजैक्शंस थे तो फिर वो नहीं लिखेंगे ना उसमें। नहीं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बस पैसा जमा करने की निकालने की एंट्री करेंगे, और तो कुछ नहीं करना। सर वो अकाउंट बस बैंक का बना दे रहे हैं ना वहाँ पे? हाँ भाई, जैसे अपन बैंक में जमा करते हैं एंट्री क्या करते हैं, बैंक ऑन डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट पे लिख देते हैं। मैं बता देता हूँ। ठीक है कोई बात, ये हमारे पास कैश बुक है, और कैश बुक के अंदर हमने बैंक में पैसा जमा किया। जब बैंक में पैसा जमा किया तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक। जैसे हम सैलरी देते हैं क्या लिखते हैं? बाय सैलरी। गुड्स खरीदते हैं कैश में तो क्या करते हैं? बाय परचेजेस। तो जैसे हम जिसको पेमेंट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, वैसे जब बैंक को देंगे तो बैंक का लिख देंगे। और अगर बैंक से पैसा निकालेंगे कैश में, withdrew cash for office use, मान लो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, withdrew cash for office use, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालना, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। तो ये कैश अकाउंट है ही हमारा, इसको डेबिट कर देंगे यहाँ टू बैंक लिख देंगे। ठीक है। और अगर जैसे कि अगर मान लो हमको डेटर से पेमेंट मिलता है तो अपन टू डेटर लिखते हैं, हम गुड्स बेचते हैं पेमेंट मिलता है तो टू सेल्स लिखते हैं, तो बिल्कुल एज इट इज आएगा। ठीक है, अब मैं वैसे वो शीट ओपन करता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ बैंक ही बैंक का है तो क्या होगा? तो पूरा वो कैश बुक मतलब वो बैंक ही है, उसमें कैश बुक मतलब सिर्फ बैंक का ही ट्रांजेक्शन, और कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन। ओके सर। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन। ओके। अब जैसे ये मैंने आपके सामने आपकी कैश बुक ओपन कर दी है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को कुछ डाउट पूछ सकते हैं? नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन? नो सर। ये ट्रांजैक्शन है पेड इन टू बैंक, बैंक में दिया पैसा, तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाय बैंक 8,000। पेड इनटू बैंक माने बैंक में पे किया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बाय बैंक करके हम लिख देंगे कैश बुक के अंदर। आई थिंक सर इसके बाद वाले क्वेश्चन था। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो डिपॉजिट इन बैंक माने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश बुक के अंदर लिख देंगे बाय बैंक। पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इन बैंक एक ही मतलब, तो 10,000 करके कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिख देंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम या फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड? हां सर फोर्थ में ही प्रॉब्लम थी, इसमें लिखा है कि विद बैंक कॉलम ओनली, तो ये समझ नहीं आ रहा था। ओके, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कैश बुक है बाकी का कॉलम मैंने नहीं बनाया इसके अंदर, कि जो कैश बुक है इस कैश बुक के अंदर जो ये अमाउंट का कॉलम है ये सिर्फ बैंक का कॉलम है, इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन बैंक के ही होंगे, ये सिर्फ इसके अंदर बैंक, मतलब वो कैशबुक का मतलब सिर्फ कैश ही नहीं होता, कैशबुक विद बैंक कॉलम मतलब इसमें सिर्फ बिजनेस जो है वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करता है।
बैंक के थ्रू करते हैं। तो ये बैलेंस पहले से 7000 बैंक में था, फिर ये चेक रिसीव हुआ, ये भी बैंक में ही आएगा। तो यहाँ पे जो हम अपनी कैशबुक बनाएंगे उसमें सिर्फ बैंक का ही कॉलम होगा। सिंगल कॉलम कैशबुक है, एक ही कॉलम है कैशबुक के अंदर अमाउंट का, लेकिन वो बैंक का कॉलम। तो ये 7000 रुपए बैलेंस है, चेक रिसीव किया 4000 रुपए टू सेल्स करके आएगा, परचेज गुड्स परचेज के तो बाय परचेजेस आएगा, है ना। हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे 4000 के और कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिट में बेचे पैसा तो आया नहीं, ये तो आएगा ही ट्रांजेक्शन। परचेज फर्नीचर बाय चेक फर्नीचर खरीदा तो बाय फर्नीचर आएगा। हमने रिसीव किया, रिसीव फॉर था ऑन अकाउंट, कस्टमर से 4000 रुपए मिले। अब यहाँ ये दिया नहीं है कि कैश मिले कि चेक मिले, चूंकि हम कैशबुक से बैंक कॉलम का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि चेक ही मिला होगा। तो टू डेटर 4000, टू कस्टमर भी लिख सकते हैं ना, टू कस्टमर भी लिख सकते हैं। पेड सैलरीज एंड परचेज स्टेशनरी तो बाय सैलरीज बाय परचेज स्टेशनरी, बाय सैलरी बाय स्टेशनरी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक दूसरा अकाउंट होता है, ये जो बैंक है ये अलग है और एफडी अकाउंट अलग होता है। तो बाय फिक्स डिपॉजिट बॉट गुड्स बाय चेक बाय परचेजेस कैश सेल्स बाय चेक टू सेल्स, ओनर ने निकाल लिया बैंक से तो बाय ड्रॉइंग्स, ऐसा। इसका मतलब है कैशबुक के अंदर से बैंक बना, ये सिंपल कैशबुक। कोई कोई डाउट है फिफ्थ क्वेश्चन में, फोर्थ और किसी क्वेश्चन में? नो सर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू डबल कॉलम कैशबुक। बस यही है कैशबुक के अंदर। दूसरा चीज इसके अंदर आपको दो तीन चीजें समझनी है, आप ध्यान दीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। और कुछ भी चीजें सिंपल है टॉपिक, और आपको टी अकाउंट्स आते हैं तो आपको डबल कॉलम कैशबुक भी आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें है। व्हाट इज डबल कॉलम कैशबुक? उसको करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मान लीजिए बिजनेस के कुछ ट्रांजेक्शन है और बिजनेस दो तरह के अकाउंट अपने रखता है, कैश और बैंक। सपोज मैं एक अकाउंट कुछ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ट्रांजेक्शन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लिखता हूँ बैलेंस, कैश का बैलेंस है 65 और बैंक का बैलेंस है 95। सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश सेल्स रुपीज, ये ऐसा करता हूं, सेल्स कैश की 15,000 और बैंक से 22,000, मतलब इतना का चेक आया या नहीं। थर्ड ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, सैलरी पेड सैलरी हमने पे की कैश में 4,500 और बैंक में 6,000, ठीक है। ये हमारे ट्रांजेक्शन। अभी क्या हो रहा है, अब मैं आपके सामने कैशबुक बनाता हूं जिसको मैं सपोज मैं उसको कैश अकाउंट नाम दे रहा हूं और एक बना रहा हूं बैंक अकाउंट। दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं तो कैश का बैलेंस डेबिट में तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 65 है तो कैश में 65 आ जाएगा, बैंक के अंदर 95 है तो बैंक के अंदर 95 आ जाएगा। इसके अंदर किसी को कोई डाउट? Awesome. अब हमने सेल्स किया, 15,000 कैश में आया और 22,000 बैंक में आया, तो मैं कैश वाले में टू सेल्स लिख दूंगा
कैश कितना है 15 और बैंक में कितना है, बैंक में भी 2 सेल्स, बैंक में 22 बैंक अमाउंट, बैंक में कैश अमाउंट, कैश मैंने सैलरी दी कैश में दी 4500 भाई सैलरी। By salaries, 6,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. अच्छा अब आप एक चीज ये देखिए कि ये जो ट्रांजेक्शन्स, हाँ चलिए एक दो ट्रांजेक्शन्स और ले लेता हूँ। एक ट्रांजेक्शन में ले लेता हूँ कि सपोज हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, ये मैं थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं अलग कलर दे रहा हूँ, फोर्थ 1 2 3 4 या जो भी नंबर है ठीक है छोड़, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट किया कितना 8,000। दूसरा ट्रांजेक्शन कैश विथड्रू फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, कैश विथड्रू फॉर ऑफिस यूज, फोर थाउजेंड। और फिर एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन फिर से मेरे दिमाग में भी आया, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश लिया 2,000 और बैंक से लिया 3,500। तो पहले मैं 6 वाला ट्रांजेक्शन कर लेता हूं, सिंपल है। तो बाय ड्रॉइंग्स कैश लिया 2,000 और बैंक में भी बाय ड्रॉइंग्स है, बाय ड्रॉइंग्स 3,500। ये तो हो गया हमारा डन। अब ये ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रू फॉर ऑफिस यूज, इसकी क्या एंट्री होगी कैश विथड्रू फॉर ऑफिस यूज? सर कैश में आएगा टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री बताओ, एंट्री जनरल एंट्री बताओ। ओके सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर ध्यान क्या देना है आपने को, ध्यान सिंपल ये दे, बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो ये कैश बुक है, इसके डेबिट में लिखो टू बैंक, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, और ये 4,000 रुपए बैंक में लिखेंगे। ठीक है, आ गया सर समझ में? फिर हमने कैश, हाँ बोलो। नो सर। फिर हमारे पास दूसरा ट्रांजेक्शन है बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट साइड आएगा, बैंक के डेबिट साइड आएगा, तो कैश के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक, और बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश। अभी तक जो कुछ मैंने किया इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी कैश बुक बना रहा हूँ जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों है। दोनों है मतलब क्या भाई, दोनों का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी अकाउंट हो उसके अंदर डेट का कॉलम तो एक ही रहेगा, ये सेंटर लाइन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड रिसीट साइड पेमेंट साइड, डेट का कॉलम दोनों का एक, पर्टिकुलर्स का कॉलम एक, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर कैश का एक कॉलम और बैंक का, दोनों का कॉलम डेबिट साइड में बना देंगे, एक कॉलम बैंक को डिनोट करेगा एक कैश को डिनोट करेगा। इसी ढंग से यहां पे एक ही कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का, एक ही कॉलम बनेगा वाउचर नंबर का, लेकिन अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, और पेमेंट की तरफ भी एक डेट का कॉलम एक ही रहेगा, दोनों का कॉमन डेट का कॉलम रहेगा, लेकिन एक कैश का अमाउंट कॉलम अलग बन जाएगा
और बैंक का कॉलम अलग बन जाएगा, बाकी सारे कॉलम हमारे सेम रहेंगे। अब मैं अगर इनकी हेडिंग लिखूंगा तो हेडिंग मेरी कुछ ऐसे बनेगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखने में आएगा, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स, ये मेरा वाउचर नंबर हो गया, ये मेरा लेजर फोलियो होगा, ये वाला मैंने सपोज पहला वाला कॉलम जो है मैंने बैंक का कर दिया, फिर कैश कर दिया, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये वाउचर नंबर है, ये लेजर फोलियो है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ बाकी इसके अंदर रखेंगे। ये पहला वाला बैंक का कॉलम, यहाँ पे बैंक तो यहाँ पे पहला बैंक, ये कैश फिर ये कैश, और ये हमारी अब ये हो गई हमारी डबल कॉलम कैश बुक, ऊपर में लिख देता हूँ डबल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर कुछ और खास बात नहीं है, इस कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम भी है और कैश का कॉलम भी है। अब हम इसमें लिखेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है लिखना, कैसे लिखना है, लिखना ऐसे है कि जो चीज यहाँ पे मैं बैलेंस तो दोनों का एक ही दिन का होगा, तो जो भी डेट होगी, मान लो यहाँ पे हमारी डेट आती है अगस्त का ही मना ले लेते हैं, अगस्त 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के अंदर कितना आएगा 65,000, बैंक में कितना आएगा 95,000, तो कैश का बैलेंस कैश के अंदर, बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम, कैश का बैलेंस कैश के अंदर, मतलब अब हम यहां पे दोनों अकाउंट बना रहे हैं एक ही बुक के अंदर, कैश का भी और बैंक का भी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो बंदा हमारे यहाँ कैश का ट्रांजेक्शन लिखेगा उसने ही बैंक का लिखना है, और कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन एक साथ लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, फिर मैंने यहाँ पे टू सेल्स किया था, कैश में इतना आया था, बैंक में इतना आया था, तो भाई यहाँ पे सपोज इसकी डेट है अगस्त 4, तो यहाँ लिख दूंगा टू सेल्स, कैश वाला कॉलम अमाउंट कितना है 15,000, तो 15,000 कैश में लिख दूंगा, अरे बैंक वाला कितना है 22, तो बैंक के कॉलम में 22 लिख दूंगा। अच्छा, फिर अगस्त 5 को सैलरीज दी अपन ने, सपोज कैश में दी 4500 और सैलरी 6,000 उसमें दी, चेक से दी, तो मैं अगस्त 5 को बाय सैलरीज कैश में 4,500, बैंक में 6,000, फिर मेरे पास ड्रॉइंग्स है 2,000 कैश की है और 3,500 बैंक से, तो मैं यहाँ पे सपोज अगस्त 10 को ड्रॉइंग्स है, कैश में कितना है 2,000, बैंक में कितना है 3,500। अभी तक मैंने जो ट्रांजेक्शन्स किए उसमें क्या है, हर ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी किसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ बैंक का हो, या हो सकता है कभी किसी में कैश का हो, ऐसा हो सकता है। आप बाय सैलरीज लिखोगे सिर्फ बैंक का है तो बैंक में लिख दोगे, कैश का छोड़ दोगे, ड्रॉइंग्स लिखोगे कैश है तो कैश में लिख दोगे, बैंक का छोड़ दोगे, तो ऐसा हो सकता है। अगर दोनों है तो दोनों लिख दो, लेकिन दोनों एक ही डेट पे होना चाहिए, अलग अलग डेट पे नहीं होना चाहिए। मान लो सैलरीज अगस्त 4 की हमारी सेल्स बैंक में है 22,000, कैश में नहीं है तो कैश आप ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन अगस्त 8 को है कैश में, तो टू सेल्स फिर से लिखेंगे और जो कैश की है वो कैश में लिख देंगे। अगर एक ही दिन है तो एक ही दिन लिख दो, अलग अलग है तो अलग लिख दो, मतलब हम दोनों के एक साथ लिखेंगे। यहां तक जो अभी मैंने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से, कि मैं एक ही कैश बुक के अंदर बैंक और कैश का कॉलम कैसे बना। किसी को कोई पूछना है कुछ इसके अंदर? अब मैं आ रहा हूं कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन, ये जगह करने के लिए मैंने ऐसा किया,
जगह करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जगह कहां करनी है मेरे को? ऊपर। अब देखिए ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन है मेरा कैश। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इसको इस पूरे डबल कॉलम कैश बुक में इसमें कंफ्यूजन होता है और एक चीज और है उसमें कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ भी नहीं है डबल कॉलम कैश बुक, कुछ भी नहीं, बस दो जगह कंफ्यूजन आता है। एक चीज अभी मैं बता रहा हूँ, एक चीज थोड़े रुक के बताऊंगा, देखता हूँ आज बताऊंगा या कल बताऊंगा, मैं देखता हूँ आगे कुछ। ये ट्रांजेक्शन क्या था मेरा, जनरल एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश डेबिट कितने से हो रहा है? 4000 से। तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 4000 से, बैंक क्रेडिट हो रहा है 4000, तो इसके अंदर डेबिट साइड में कैश के डेबिट साइड में 4000 लिख देंगे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, और कैश के अंदर लिख रहे हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैंक, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में बैंक में मैं 4000 लिख दूंगा, ये क्रेडिट में बैंक में लिखूंगा, और यहां लिख दूंगा बाय कैश। एक और हम देखते हैं दोबारा, फिर से बता रहा हूं इसको, फिर से ध्यान दीजिए। आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखोगे कैश और बैंक का, जैसे ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने कैश को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो जनरल एंट्री मेरी बन रही है कैश अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक 4000, तो ये डेबिट साइड है ना, ये वाली जो मेरी साइड है ये डेबिट साइड ही तो है, तो डेबिट साइड कैश को डेबिट करना है ना, तो कैश को चूंकि डेबिट करना है तो डेबिट साइड में कैश में लिखेंगे, और जब कैश का डेबिट में लिखेंगे तो मतलब कैश अकाउंट में लिख रहे हैं, तो कैश अकाउंट में कैश करना, हम कभी कोई अकाउंट बनाते हैं जैसे मैं ये ए अकाउंट बना रहा हूं, तो ए अकाउंट में टू ए अकाउंट थोड़ी लिखते हैं अपन, ये तो दूसरे अकाउंट का जो अकाउंट यहां है वो अकाउंट थोड़ी लिखते हैं, तो मैंने कैश के अंदर लिखा है ना कैश के डेबिट में, तो यहाँ टू कैश थोड़ी लिखूंगा, यहाँ टू बैंक लिखूंगा, और ये मेरी कैश बुक का क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में क्या करना है, क्रेडिट साइड में ये करना है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बैंक में लिखना है, और जबकि बैंक में लिख रहा हूं तो यहां बाय बैंक थोड़ी लिखूंगा, यहां पे बाय कैश लिखूंगा, इसी ढंग से मेरा एक दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन है मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ट्रांजेक्शन कब हो सकता है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 8000 से बैंक डेबिट हो रहा, तो ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में बैंक में लिख दूंगा 8000, चूंकि बैंक में लिख रहा हूं तो यहां लिख दूंगा टू कैश, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कैश में लिखूंगा और यहां लिख दूंगा बाय बैंक। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जब ऐसे ट्रांजेक्शन में, क्या तुमने एक बार लास्ट क्लास में मुझे पूछा था, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊं डबल कॉलम क्रेडिट, तुमको स्कूल में करा रहे थे, वो तुमने पूछा था डाउट सर वो कैसे ट्रांजेक्शन लिखते हैं कि हम बैंक में पैसा जमा, मतलब बैंक और कैश दोनों में आता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो कैश कॉलम और बैंक कॉलम में दोनों आता है, ऐसे ट्रांजेक्शंस कौन से हो सकते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शंस ये वाले हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते कुछ, मैं बता, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या बोला जाए, कैश डिपॉजिटेड टू कैश फ्रॉम बैंक या withdrew from
you from withdrew from bank for office use. ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो कैश और बैंक दोनों में होते हैं. डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और कैश कैश कॉलम के क्रेडिट में लिखेंगे. क्रेडिट में कैश कॉलम में इसकी भी वही बात है. ये दोनों का एक ही मतलब है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो कैश बुक के डेबिट में कैश कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट के बैंक कॉलम में लिखेंगे. बस ये करना है. किसी को यहां तक जो मैंने बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. नो सर. ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है. अब यहां पर दो तीन चीजें ध्यान रखनी है बिफोर आई प्रोसीड फर्दर. फिर हम बैलेंस निकालते हैं. बैलेंस भी डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे. और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा. बैलेंस क्रेडिट डाउन माने बैंक का बैलेंस इधर, कैश का बैलेंस इधर. दैट्स इट. कैश कैश का टोटल 67,84,000 में ये जो दिया अपन ने पेमेंट माइनस करके, ये हमने टोटल यहाँ लिख रहा है, इसमें से घटा क्या लिखा. तो दिस इज माय डबल कॉलम कैश बुक. कोई यहां पर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से. सर इसमें डेबिट साइड ज्यादा थी कि क्रेडिट साइड. देखिए कैश हाँ. अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है, वो मुझे थोड़ा सा बाद में लेना था लेकिन अभी हल्का सा रेज हुआ है तो मैं बता देता हूँ. कैश का हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, डेबिट बैलेंस. लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि बैंक का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है. कैसे हो सकता है? जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? हमने बैंक से लोन ले लिया. हमने अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया तो बैंक ये तो हमेशा कैश बैलेंस ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा. ठीक है. लेकिन ये हमारा कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. लेकिन बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब कैश डबल कॉलम कैश बुक बनाए तो बैलेंस ब्रॉड कैरीड डाउन आप कैश का तो इधर लिख रहे हैं, कैश साइड उसके अंदर क्रेडिट साइड में बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैश का डेबिट बैलेंस होगा तो इधर ही आएगा हमेशा. लेकिन इधर भी आपको लिखना पड़ सकता है टू बैलेंस क्रेडिट डाउन. मतलब क्या? बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम. तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. बैंक का बैलेंस यहाँ लिखना पड़ेगा और कैश का आपको इधर लिखना. तो बैलेंस क्रेडिट डाउन दोनों तरफ आ सकते हैं. कैश बुक में दोनों तरफ कैश के बैलेंस आ सकते हैं. डेबिट साइड में कहां लिखेंगे कैरी डाउन? जब बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा. मतलब यहां पर इसका मतलब हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने लोन ले रखा है, बैंक में पैसे जमा कम है, हमने बैंक से ज्यादा निकाल लिया. तो बैंक से ज्यादा निकाल लिए तो यहाँ पे हमने डिपॉजिट कम किया लेकिन निकाल ज्यादा लिया तो बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया. तो हम बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर लिखेंगे. मान लीजिए कुछ ऐसा है कि मैं इसको ऐसा बता रहा हूं, ये मेरी कैश बुक है. ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए. बाकी कॉलम्स में नहीं बना रहा हूं. ये मैंने बैंक का कॉलम बनाया, ये मैंने कैश का कॉलम बनाया.
अब मुझे मेरे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, यहाँ पर 35,000, फिर यहाँ पे टू सेल्स 8,000 और यहाँ पे 12,000, बस ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे मैंने बाय परचेजेस की 90,000, यहाँ पे मैंने बाय क्रिएटर्स को पेमेंट किया 12,000 और 4,000, बस ये सपोज इतने से ट्रांजेक्शंस। अब क्या हो रहा है, अगर मैं देख रहा हूं तो ये कैश का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये आ रहा 47 और 43, तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 43,000, ये दोनों टोटल एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 1,02,000, तो यहां लिखूंगा बाय टू बैलेंस करीब डाउन, ये कितना 68,34। तो अब यहां पे क्या दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरी कैशबुक के अंदर बैंक का तो क्रेडिट बैलेंस है और कैशबुक का डेबिट बैलेंस एंड में क्लोजिंग बैलेंस, और अगर मैं इसको नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करूंगा तो ये करी डाउन इधर आ जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लीजिए ये मैंने क्लोज किया 31 जनवरी 2021, ये 31 जनवरी 21, तो जब मैं 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगा, 1 फरवरी से जब मैं नया मंथ मेरा स्टार्ट, तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी इधर ही आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000, और ये जो कैश का डेबिट बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस इधर आएगा, तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कैशबुक के अंदर कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस ऑलवेज, लेकिन बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैशबुक क्लोज करोगे तो आपको देखना है कि कैश का ज्यादा है कि बैंक का ज्यादा, और जब अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है तो सिर्फ क्लोजिंग ही हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि आपको क्वेश्चन देता हूं, यहां पे लिखता हूं 1 फरवरी 21 बैलेंस कैश 43,000, और लिखता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट, या लिखता हूं बैंक क्रेडिट 65,000, तो जब आप कैशबुक बनाओगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के अंदर 43 यहां लिखोगे, और क्वेश्चन ने आपको दिया है कि भाई बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के अंदर 65 लिखोगे, फिर अब उसके नीचे हम आगे के ट्रांजेक्शन लिखेंगे। तो कैशबुक बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैश और बैंक का कोई भी मतलब बैंक का कोई भी बैलेंस हो सकता है और कैश का डेबिट बैलेंस होगा, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दोनों के डेबिट है, लेकिन क्लोजिंग एक का डेबिट हो गया, कैश का डेबिट है, बैंक का क्रेडिट हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग बैलेंस ही कैश का डेबिट है और बैंक का क्रेडिट है, स्टार्टिंग बैलेंस भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इज दैट ओके?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए पहले मेरे से। नो सर। नो सर। फिर मैंने एक चीज एक क्लास में आई थिंक वो नहीं पहले जब मैंने कैशबुक पढ़ाया था तो उस केस के अंदर मेरे से आस्था ने पूछा था सर ये बैंक लेजर फोलियो कॉलम का क्या काम होता है, और मैंने उसमें ये बताया था कि जो लेजर फोलियो कॉलम होता है उसके अंदर हम दूसरी एंट्रीज करते हैं, दूसरे अकाउंट बनाते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि लेजर के अंदर मेरे पास सेल्स अकाउंट होगा लेजर में, और ये जो मैंने टू सेल्स लिखा है बाय बैंक और बाय कैश, तो सेल्स अकाउंट के अंदर मैं बाय कैश बाय बैंक और बाय कैश लिखूंगा। बाय बैंक कितना 22, बाय कैश कितना 50, और सेल्स अकाउंट जिस पेज पर होगा वो पेज नंबर मैं लेजर फोलियो के कॉलम में लिखूंगा, ऐसा मैंने बोला था। इसी ढंग से लेजर के अंदर मेरा सैलरीज अकाउंट होगा, तो यहाँ पे बैंक से सैलरी पे की अपन ने, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट, सैलरी डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, ये बैंक क्रेडिट हो रहा है तो सैलरी डेबिट 2,600, और सैलरी अकाउंट जिस पेज पे होगा लेजर के वो पेज नंबर में यहाँ लिखूंगा लेजर फोलियो। ये चीज मैंने बोली थी। इसी ढंग से ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा मेरा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ड्रॉइंग के डेबिट में टू कैश, जिस पेज पे ड्रॉइंग अकाउंट होगा वो पेज नंबर में यहाँ लिखूंगा। ऐसे मैंने आपको बताया, याद है आप लोगों को सबको लेजर फोलियो, मैंने मतलब कैशबुक को लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो जो अकाउंट लेजर कैशबुक में आ रहा है वो लेजर में अकाउंट होते हैं और उनमें हम पोस्टिंग करते हैं। चीज मैंने बोली थी आपको। यस सर। यस सर। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। नो सर। लेकिन यहाँ पर एक बात और, जो एंट्री कैश और बैंक के कॉलम में हो रही है, ये दोनों, ये वाली, इनके लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स है हमारे कैश बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से कैश निकाला, इनका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड, कैश साइड और बैंक साइड, दोनों कैश बुक में ही आ गए। सैलरी के साथ क्या होता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक हमारी एंट्री थी, तो ये बैंक वाला काम तो कैश बुक में हो गया, और ये सैलरी अकाउंट किस में आता है, ये लेजर के अंदर हम एंट्री करते हैं। इसी ढंग से हमने जब सेल्स किया तो हमने एंट्री गुड्स बेचे तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश बुक में आ गया और सेल्स अकाउंट लेजर फोलियो में आता। लेकिन जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक है, तो ये दोनों साइड जो है, ये दोनों, ये हमारी कैश बुक में आ गए, तो इनकी लेजर पोस्टिंग में की जरूरत नहीं होती। इनमें हम पोस्ट किस में करेंगे? अगर मैं यहाँ पे बैंक में लिखूंगा तो बैंक भी तो यही है, कैश में लिखूंगा तो कैश भी तो यही है। ऐसी एंट्रीज जो कैश और बैंक दोनों आती हैं और कैश बुक के दोनों तरफ आती हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब यह है कि जिनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एक ही में लिख दिया गया, अब उनका लेजर में लिखने की जरूरत नहीं है, उनका डेबिट साइड भी इसी में आ गया, क्रेडिट साइड भी इसी में आ गया, यहाँ पे कैश डेबिट भी हो गया और यहाँ पर बैंक क्रेडिट भी हो गया, तो डेबिट क्रेडिट दोनों इसी एक ही जगह लिख दिए गए, अब लेजर में कहीं लिखने की जगह ही नहीं है, लेजर में थोड़ी लिखेंगे उसको, दोनों साइड, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट भी हो गया, यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट भी हो गया, ये दोनों साइड आ गए। तो अब लेजर में इसको नहीं लिखेंगे, ऐसी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। और इनकी चूंकि लेजर में हम पोस्टिंग नहीं करते हैं, इसलिए जो लेजर फोलियो कॉलम होता है उसके अंदर हम सी करके इसको इंडिकेट करते हैं। किसमें कॉलम है? लेजर फोलियो कॉलम। लेजर फोलियो के कॉलम में क्यों?
क्योंकि बता रहे हैं भैया एक कॉन्ट्रा है, इसको लेजर में पोस्ट मत करो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो लेजर का पेज नंबर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया पेज नंबर लिखने से पहले ही कि भैया सी मतलब ये कॉन्ट्रा, ये दोनों इसी में आ गया, अब इसको लेजर में पोस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है अकाउंटेंट को कि ये वाले ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही हमारी कैश बुक के अंदर लिखा जा चुका है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ये आप जब और करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ध्यान आपको अभी ये देना है कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जो कैश और बैंक दोनों में आ रहे हैं, तो वो कैश बुक में आ गए, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम में नहीं डबल कॉलम, तो वो कॉन्ट्रा हो जाएंगे। कॉन्ट्रा क्यों हो जाएंगे? कि उनका डेबिट भी इसी में लिख दिया, क्रेडिट भी इसी में लिख दिया, और जब दोनों लिख दिया हमने तो लेजर में हम पोस्टिंग किस बात की करेंगे? लेजर में हम पोस्टिंग ही नहीं करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। जब एक ही अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एंट्री कर देते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, मतलब आप उसकी और जगह कहीं लिखने की हमें जरूरत ही नहीं, डेबिट भी आ गया क्रेडिट भी आ गया। अब मैं आपको जैसे कि ये दिखा रहा हूँ शीट नंबर 37 में भेज रहा हूँ, विच इज ऑन डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस आप डेबिट में लिखोगे डबल कॉलम कैश। इसके अंदर अगर आपको आज रात को मैं देखिए पूरी कोशिश करता हूँ, नहीं तो कल तो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें क्या क्वेश्चंस आपको, अगर आपको मान लीजिए शुरू में दिक्कत आ रही फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया चेक करना, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको पहले मुझे अपना फर्स्ट क्वेश्चन भेजना पड़ेगा। सेकंड होगा तो ऐसा, शुरू में दो तीन क्वेश्चन में ऐसा लग सकता है, बाद में तो गाड़ी आपकी दौड़ने लगी। अब जैसे इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है ये हमने जैसे किया नहीं, क्या ट्रांजेक्शन है हमारे, जैसे यहाँ पे दे रखा है बिल्स पेबल ऑफ 5000 ऑनर्ड। बिल्स पेबल मतलब लायबिलिटी होती है, हमको देना होता है, ऑनर्ड मतलब पेमेंट कर दिया गया, इसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल लायबिलिटी डेबिट टू कैश या टू बैंक। चेक से क्या है तो बैंक, कैश में क्या है तो कैश, यहाँ दिया नहीं है कैश या चेक तो हम कैश मानेंगे, तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक के अंदर बाय बिल्स पेबल एंट्री आएगी। इसके अंदर मैंने आपको ट्रांजेक्शन क्वेश्चंस थोड़े से आई थिंक कि दिए हैं, कितने दिए हैं 14 क्वेश्चंस, तो इसमें एटलीस्ट आपको दो दिन लग सकते हैं। दो दिन से मेरा मतलब है आज है ट्यूसडे, तो आप थर्सडे इवनिंग तक कर सकते हो, या हो सकता है फ्राइडे को मुझे पूरी कंप्लीट करके थर्सडे को डाउट पूछ के करो, तो आपको ये बस फ्राइडे तक हर हालत में कंप्लीट करनी है शीट सब। जो पहले की शीट कर रहे हैं वो ठीक है थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बाकी जिनका जो अभी कर रहे हैं इस आ गए इसी में इस स्पीड के साथ साथ चल रहे हैं उनको कैश बुक ये खत्म करना है आपको फ्राइडे तक मैक्सिमम, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए सर। हाँ सर, आप शीट नंबर 20 भेज देंगे क्या? शीट नंबर 20 मतलब है क्या, क्योंकि 19 तक तो कंप्लीट हो गया था। ओपनिंग एंट्री, हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा, ओपनिंग एंट्री है इसके अंदर, शीट नंबर 20 के अंदर ओपनिंग एंट्री आपको बताया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भेजूंगा, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, कभी कभी मैं भूल जाऊँ क्लास के बाद, अभी फिर एक दूसरी मेरी क्लास है 7:00 से, तो आप मैसेज डाल दीजिएगा मैं देख के भेजूंगा।
व्हाट्सएप कर दीजिए. ओके सो एनी डाउट इन कैशबुक, जो बच्चे कैशबुक कर रहे हैं? नो सर. नो सर. नो सर. फाइन थैंक यू सो मच. आप लोग हाँ वाउचर्स पे है क्लास, जिनको वाउचर्स पे कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. कैशबुक के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कैशबुक में चूंकि डाउट नहीं है तो मैं इसको बंद कर